नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। जम्मू में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर शनिवार देर रात को आतंकियों ने विस्फोटक गिराकर हमला किया। आतंकियों ने विस्फोट ड्रोन की मदद से गिराया था। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया है। पहला विस्फोट शनिवार देर रात 1:40 के आसपास हुआ, जबकि दूसरा उसके 6 मिनट बाद हुआ है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया कि यह ड्रोन किधर से आया है और जांच में जुटे अधिकारी दोनों ड्रोन के हवाई मार्ग का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू के एयरबेस पर शनिवार देर रात ड्रोन के जरिए किए गए आतंकी हमले के बाद आज सोमवार को सुबह फिर सेना कैंप के ऊपर ड्रोन जैसी चीज देखे जाने का दावा किया गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू के कालूचक छावनी इलाके में सोमवार और सुबह करीब 3 बजे एक ड्रोन नुमा चीज सैनिक कैंप के ऊपर से गुजरती हुई देखी गई। इसके बाद सेना के जवानों ने लगभग 20 से 25 राउंड फायरिंग की। ड्रोन देखे जाने के बाद सेना की ओर से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जवान कैंप के भीतर और आसपास के इलाकों में उस ड्रोन को तलाश कर रहे हैं जहां ड्रोन के गिरने की संभावना है। कोरोना की वजह से दुनिया में पहले ही कम परेशानियां नहीं है, इसके बावजूद आए दिन स्पेस से भी कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आने लगती हैं जो दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं। अब नासा के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया कि बेहद बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ये इतना बड़ा है कि शुरुआत में इसे ग्रह समझ लिया गया था, लेकिन इसके बाद हुई स्टडी और रिसर्च में उल्कापिंड निकला। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना को लेकर भी खुलासा किया है। इसके टकराने की संभावना ना के बराबर है। एस्ट्रोनॉमर्स अब इसकी स्टडी कर ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा करने में जुट गए हैं। भारत में कोरोना वायरस से रोधी टीकाकरण की संख्या 32 करोड़ के पार चली गई है। देश में रविवार को 17,21,268 टीके लगाए गए, जिसके बाद अब तक की कुल संख्या 32,36,63,297 हो गई है। इसके साथ ही दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। ग्लोबल वैक्सीन ट्रैकर की एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस और भारत में टीकाकरण की गति तेज है। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने कोविड रोधी दवा 2DG के कमर्शियल लॉन्च की घोषणा कर दी है। सोमवार को एक बयान में कंपनी ने यह जानकारी दी है। 2DG दवा की पहली खेप 17 मई को जारी की गई। पंजाब भर के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। ये डॉक्टर 3 दिन तक रोजाना 2 घंटे कामकाज छोड़कर हड़ताल पर बैठेंगे। पंजाब भर के सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल छठे पे कमीशन के विरोध में की जा रही है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ कमीशन की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं है और इसी के विरोध में पंजाब भर के सरकारी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हालांकि इमरजेंसी सहूलतों पर इस हड़ताल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक रोजगार की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी तादाद में बेरोजगार अध्यापक अब पटियाला के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवा फार्म हाउस पर आज प्रदर्शन करने पहुंचे। इस दौरान अध्यापकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बढ़ती बहस के बाद पुलिस ने कई बेरोजगार अध्यापकों को हिरासत में ले लिया। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर मंद पड़ने के बाद प्रदेश को चरणबद्ध रूप से अनलॉक किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अनलॉक 3 के तहत नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी की नई गाइडलाइंस आज सोमवार सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है। प्रदेश में करीब 2 महीने से बंद राज्य के सभी धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। धार्मिक स्थलों के खुलने का समय सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। श्रद्धालु लंबे इंतजार के बाद धार्मिक स्थलों पर अपने आराध्य के दर्शन आज से कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 5 करोड़ के नकली नोटों के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बालाघाट पुलिस ने यह ऑपरेशन महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की पुलिस के साथ चलाया है। पकड़े गए आरोपियों में से 2 गोंदिया के हैं। माना जा रहा है कि ये नकली नोट नक्सलियों तक भी पहुँचाए जाते थे। राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सो यूनिवर्सिटी को लेकर जमीन खरीद फरोख्त की पूरी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने रामपुर जिला प्रशासन से तलब की है। ईडी ने डीएम रामपुर से जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी पर 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट भी मांगी है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।